आप अपने मतलब के लिए आप महागठबंधन पार्टी में जाते हो और अचानक से आज त्यागी जी का बयान भी आता है कि भाई उनका स्वागत है महागठबंधन में, तो मैं आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि भाई वहां पे भी जाके आपको सीएम कैंडिडेट हूँ नहीं बनाने वाले, भले ही आपके 6-7% वोट में, जिसमें 3% वोट हो सकता है कि आपका चेहरा देख के या 2% वोट या 1% वोट शायद आपको देख के आ जाए जो आपके एकदम अंधे फॉलोअर है, लेकिन जो सच्चा बिहारी है, जो बिहार से प्रेम करता है, वो उन्हीं को वोट देंगे जो विकास चाहता है बिहार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आरजेडी की इफ्तार पार्टी और राजनीति में भूचाल, आया कई लोगों का बयान। जी हां, हम बात कर रहे हैं राबड़ी आवास पर जो इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ था उसको लेकर खूब सारी चर्चाएं हो रही है, सियासी गलियारों से तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ओवैसी की भी प्रतिक्रिया कल सामने आई थी और आपको बता दें कि इस इफ्तार पार्टी में सबसे ज़्यादा जो केमिस्ट्री देखी गई वो ये कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की, दोनों की केमिस्ट्री ऐसी थी कि देखते ही बन रहा था। इसी को लेकर आज आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा ने चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए कहा है, रामनवमी हिंसा पर चिराग पासवान ने बयान दिया था कि इस माहौल में इफ्तार पार्टी करना बेहद गलत है, और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें न्योता दिया तो ये कह के टाल दिया कि मेरा बिजी शेड्यूल है, मैं नहीं आ सकता हूँ, और तेजस्वी यादव के बुलाने पर पहुँच के इफ्तार पार्टी में। इसको लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा, पहले आपको वो सुनिए। मैडम, क्या लग रहा है जिस तरह से इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं कल चिराग पासवान, तो क्या कहा जाए? देखिए, इफ्तार पार्टी में जाना कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन अभी जो स्थिति बिहार की है, और कुछ दिन पहले, एक दिन पहले ही जब ऑनरेबल सीएम साहब ने उनको बुलाया, उनको उन्होंने बहुत स्मार्टली मेरा स्केड्यूल बिजी था बोल के उन्होंने टाल दिया, और दूसरी बात कि उन्होंने खुद ही एक बार इफ्तार पार्टी का जब जिक्र करते हुए खुद ही उन्होंने कहा था कि इस वक्त इस माहौल में इफ्तार पार्टी करना और इस चीज़ों को एक पॉलिटिकल एंगल देना कहीं से भी सही नहीं है, और आज अचानक जाके वो आरजेडी के साथ महागठबंधन में और ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम के कहने पर वो जाते हैं, जबकि वो हमेशा से ही नरम रहे, क्योंकि मैं जब उनकी पार्टी की प्रवक्ता थी तो एक अलग एंगल दिया जाता था कि वी ओनली हैव टू टॉक अबाउट अवर सीएम, नॉट अबाउट डेप्यूटी सीएम। तो आज ये सारे अटकलें जो है उन्होंने ख़त्म कर दी, और ये सही साबित हो गया कि कहीं ना कहीं उनको जैसे ही लगा कि भाई अभी बीजेपी जो है आपके स्टेट प्रेस प्रेसिडेंट आपके सम्राट चौधरी जी को बनाने के बाद, कहीं ना कहीं उनको अचानक से पता नहीं क्या हो गया कि वो उठ के चले गए, और एक एक्सपेक्टेशन था शायद उनको एज अ सीएम कैंडिडेट हमारे एनडीए सरकार उनको लेंगे, तो भाई पहले आप अपना स्टैंड तो क्लियर करो, पहले आप एनडीए में आओ, अपना काम तो दिखाओ, आपको कुर्नी में या फिर गोपालगंज में या फिर मोकामा में आपको साथ इसलिए लिया गया था क्योंकि आप जैसे कहते हो कि लोग आपको पसंद करते, आप एक स्टार्ट मैंने फेस हो, और कभी ना कभी वंस अ एक्टर इज ऑलवेज एन एक्टर, तो वो छवि आपकी तो हमेशा से ही रहेगी, और अचानक से जब इसी माहौल में उठ के आप चले गए, जबकि पूरा बिहार में एक अलग माहौल है आपके रामनवमी को लेकर, या फिर जो दंगे हो रहे उसके ऊपर इनसेंसिटिव होके आप अपने मतलब के लिए आप महागठबंधन पार्टी में जाते हो, और अचानक से आज त्यागी जी का बयान भी आता है कि भाई उनका स्वागत है महागठबंधन में, तो मैं आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि भाई वहां पे भी जाके आपको सीएम कैंडिडेट हूँ नहीं बनाने वाले, भले ही आपके 6-7% वोट में, जिसमें 3% वोट हो सकता है कि आपका चेहरा देख के या 2% वोट या 1% वोट शायद आपको देख के आ जाए जो आपके एकदम अंधे फॉलोअर है, लेकिन जो सच्चा बिहारी है, जो बिहार से प्रेम करता है, वो उन्हीं को वोट देंगे जो विकास चाहता है बिहार का। हो रही है क्या? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इतनी जल्दी समीकरण की तैयारी अगर महागठबंधन कर रहा है तो भूलिए मत कि यहाँ पे अमित शाह जी और मोदी जी के राज में डेफिनेटली कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला कि जिससे कि माहौल और खराब हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें हो जिसमें कि बिहार जो 17 साल से पीछे है, 30 साल से पीछे, उसको और हम लोग पीछे ले जाएं, क्योंकि मैं भी 14 साल प्लस मेरा हो गया, 15 साल का मेरा कार्यकाल रहा, मैंने हर एक बुरे स्थिति में बिहार में काम किया, एक बार भी यहाँ से छोड़ के नहीं गए, जबकि मेरी जन्मभूमि बंगाल है, तो मैं इतना तो जानती हूँ कि अब अगर विकास नहीं होगा तो अगले 10 साल तक और कोई उम्मीद नहीं रहेगा, और अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग यहाँ से छोड़ के बाहर चले जाएंगे। तो देखा किस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए नजर आई है देवस्वानी मित्रा, और साफ तौर पे कह दिया है जो सच्चे बिहारी होंगे उसी को वोट करेंगे जो बिहार की विकास चाहता है,
और साथ ही साथ किस तरीके से चिराग पासवान को घेरते हुए नजर आई वो भी आपने देखा। और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि सम्राट चौधरी को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तब से चिराग पासवान में बकुलाहट देखने को मिली है। और इसी के साथ महागठबंधन जब तेजस्वी यादव ने उन्हें न्योता दिया तो पहुंच के इफ्तार पार्टी में शामिल हो गए। इसी के साथ और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही थी देवसानी मित्रा वो भी आपने सुना। तो फिलहाल के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।